हाँ भैया, ये ना गलत नंबर है। मैं तो 3 बच्चों की माँ हूँ, करने के लिए तुमसे पैसे क्यों लूंगी, कहाँ आऊंगी, मेरे हस्बैंड है मेरे घर में। ठीक है, क्या डाला है मुझे क्या पता, हम तो घर में रहने वाले हैं। उनने कॉल किया तो बोल रहे थे तुम कहाँ मिलोगी, कितने पैसे लोगी। मैंने भैया हम औरत हैं और बच्चे भी हैं हमारे घर पे, हमें ऐसे नहीं है। तो तुम्हें कुछ पता है तुम्हारे खिलाफ केस पे इतनी गंदी गंदी पोस्टें डाली गई हैं, मैंने नहीं मालूम है। हमने सबसे पहले तो हमारी पत्नी का नंबर फेसबुक पर डाल रखा है, उससे तरह तरह की कॉलें आती हैं। जब हमको जानकारी हुई तो हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया, उसमें हमने FIR दर्ज भी कराई। कप्तान साहब के आदेश से कप्तान साहब बहुत बढ़िया है, उन्होंने तो FIR दर्ज हमारी करवा दी। बहरहाल अभी इतने दिन में अभी तक अरेस्टिंग नहीं हुई है, अब क्यों नहीं हुई ये तो पुलिस डिपार्टमेंट जाने। और उसके बावजूद आज जो है उस FIR को वापस लेने के लिए बराबर दबाव दे रहे हैं हमारे ऊपर। हम पुलिस को भी बताया कि हमारे घर पे आ रहा था, हर तीसरे दिन आता था, लेकिन आज 7:45 वो हमारे घर पे आ गया था। और आने के बाद यहाँ गाली गलौज करने लगा, बोला FIR वापस लो। मैं थोड़ी घर पे नहीं था, मैं उधर था, मैं बरसिम हो रहा था, तो फिर मैं वहां से आया हूँ। इतनी देर में ये यहाँ से भाग गया, बोला अभी 15 मिनट के अंदर मैं तुम्हें बताता हूँ। 15 मिनट के बाद उसके तीनों भाई, उसकी माँ, उसके बाप तीनों आए, और आते ही मेरी पत्नी को मारने लगे। इसको काफी चोट आई है, मारते फिर हम लोगों ने बीच बचाव, जैसे भी बीच बचाव किया, पुलिस को भी फोन किया। बहरहाल हमने अपने देहात कोतवाली के SO साहब को भी इन्फॉर्म कर दिया था, उन्होंने तुरंत बोला बोला मैं अभी पुलिस भेज रहा हूँ। उसके बाद हम थाने गए, वहाँ से फिर डॉक्टरी मुआयना भी हुआ है। हम अपनी तहरीर दे के थाने से अपने घर आ गए हैं, अभी अपने दवाई भी। तो क्या दबंग जो है आपको धमकी दे रहे हैं जान से मारने की और घर पलायन करने की धमकी दे रहे हैं क्या भाई? वो तो कितनी बार उन्होंने इतनी बार हमें धमकियां दी हैं। बराबर जो कहते तो बेटा से भगा के छोड़ूंगा और हम यहाँ रहने नहीं देंगे। उसकी माँ तो यहाँ तक बोलो तो यहाँ तक बोल गएगा तो मैं, हम तो 3 भाई है, तुम्हारे पास तो एक ही बच्चा है, करोगे क्या? एक मुकदमा लिखा गया है कोतवाली देहात में, इसमें मामू को भांजे ने अश्लील मैसेज किए हैं, संबंध में अभियोग पंजीकृत करके विवेचना की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन के बाद अपेक्षित कर रहे हैं।